सो हेलो नमस्ते केम छो सत श्री अकाल आदाब जय श्री राम। ये थोड़ा सा इंट्रो ना सलमान भाई जो बिग बॉस में आके देते हैं ना वैसा हो गया है। सही पकड़े हैं। तो चलो आज बात करते हैं बिग बॉस 17 के बारे में। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो इंट्रो है ना वीडियो का वो ना हर बार ना अलग अलग होता है। खाओ माँ कसम। तो गाइस बिग बॉस 17 का जो विनर है वो फाइनली अनाउंस हो गया है। और भाई इस वाले बिग बॉस सीजन में ना क्रेजी क्रेजी रिएक्शंस आए हैं लोगों के, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक एक करके। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता दूं सलमान भाई ने ना UK07 राइडर को कर दिया रोस्ट। मगर क्यों? क्योंकि बिग बॉस से बाहर जब UK07 राइडर जब बाहर आए थे तो उन्होंने बिग बॉस के बारे में ना एक तरह से ना पोल खोल दी ऐसा, मतलब बहुत सारे वीडियोस उन्होंने निकाले कि भाई ये नहीं ये होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। बिग बॉस 17 के फिनाले डे में सभी कंटेस्टेंट को बुलाया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि उस दिन UK07 राइडर नहीं आए थे। और उसी दिन UK07 राइडर ने रिप्लाई देते हुए कहा, आत्मसम्मान के लिए मैं उसकी झूठी तारीफ भी नहीं कर सकता। अनुराग याद है आज कौन सी सीजन? इसी सीजन में था वो। वो बिग बॉस से या पता नहीं मुझसे इतना खफा है एक वो अभी तक आया नहीं आज क्योंकि शायद उसने इतना कुछ पोस्ट कर दिया बिग बॉस के खिलाफ अगर वो यहाँ बैठता। राइडर कई वादियों में राइड कर रहा होगा इस बार। सलमान भाई ने क्या क्या बोला? तो भैया सलमान भाई भी किसी को नहीं छोड़ते हैं और सबको लाइन पे ले लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिग बॉस 17 को मुनावर फारूकी ने जीत लिया है। इसमें दो लोग फाइनल किए गए थे, अभिषेक कुमार और मुनावर फारूकी। तो बिग बॉस 17 के विनर हुए अब की बार मुनावर फारूकी। याद रखना है कहीं क्वेश्चन ये पेपर वेपर में ना आ जाए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अभी जो बिग बॉस ये सब चल रहा है ना, ऐसा लगता है कि जिसने भी जीत लिया है ना वो मतलब फिल्म इंडस्ट्री का ना प्रधानमंत्री बन जाता है। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब इतना। खैर छोड़ो इन सब बातों में क्या रखा है, बात करते हैं बिग बॉस 17 के जो विनर रहे हैं मुनावर फारूकी को प्राइज मनी कितना मिला है। 50 लाख रुपया और एक हुंडई क्रेटा कार। वाह यार सच में प्रधानमंत्री बन जाते हैं यार, समझ रहे हो। तो चलिए आइए कुछ यूट्यूबर्स के रिएक्शंस देख लेते हैं। तो भाई किसने क्या बोला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुकरा भाई ने क्या ट्वीट किया, देखो सॉरी ट्वीट नहीं, अब तो ट्विटर तो भाई खरीद लिया इलोन मस्क ने। तो बोलेंगे एक्स, सलमान भाई के आगे अभिषेक नाम का बंदा तो कभी जीत ही नहीं सकता है। और भाई नीचे लिख दिया कि बिग बॉस 18 में आयुष्मान लेकर नाम, मतलब आयुष्मान नाम रखकर अपना एंट्री मारते हैं। भाई अभिषेक भाई तुम यार बड़े चालाक हो यार, समझ रहे हो। क्या बोलूं यार, आयुष्मान नहीं बिग बॉस 18, 19, 20 में सज्जन नाम लेके एंट्री करते हैं, ठीक है देखते हैं यार क्या होता है, बड़ा हरामी हो बेटा। और उसके बाद दूसरे सबसे बड़े यूट्यूबर राउंड टू एल को भैया कौन नहीं जानता, वसीम भाई ने प्रॉपर वीडियो क्लिप बना के प्रॉपर बधाइयां दी हैं। सो गाइस 105 दिन की मेहनत हुई है वसूल और मुनव्वर जीत गए हैं। मैं कहना चाहूंगा विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और ये जो मिला है आपको गिफ्ट, उससे बेस्ट गिफ्ट नहीं मिल सकता था आपको। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, दिल खुश हो गया मेहनत। और फिर भाई नाजिम भाई ने भी स्टोरी डाली एक, बधाई रुकनी नहीं चाहिए। सही बात है यार, बंदे ने मेहनत की है रुकनी नहीं चाहिए। स्टोरी स्टोरी डाल दो सारी जगह फैला दो कि भाई प्रधानमंत्री वो सॉरी बिग बॉस विनर कौन बन गया। ये क्या बात करता है यार। और जैसे ही मुनावर भाई ने अपनी पोस्ट डाली उसके नीचे भाई सबसे पहले आशिका भाटिया का आया, बधाई मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन आना भी चाहिए। फिर भाई अपने थगेश भाई ने भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और तुम सबको पता होगा कि एक अफगानी क्रिकेटर है राशिद खान, बहुत ही अच्छा बंदा है भाई, उसने भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। खैर ये सब यूट्यूबर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटी के रिएक्शंस थे। जब भाई मुनावर भाई जीता ना तो डोंगरी का जो हाल देखोगे ना भाई, तुम ये वाला वीडियो देख लो, सिस्टम देख लो उसका, मतलब सिस्टम नहीं क्या बोलेंगे इसको पता नहीं, लेकिन भाई तुम देख लो। और तुम लोगों ने देखा होगा जो मोए मोए चल रहा है ना, वो मोए मोए तो इतना बना कि मुनावर भाई का असली मोए मोए, सबसे प्यारा मोए मोए मुनावर भाई का। तो चलिए एक दो मोए मोए देख लेते हैं, आइए देखते हैं, बैठ चल मजा आएगा। ठंडी चीज आपको कैसे लगती है? डिपेंड करता है क्या है? इंसान ठंडा
नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। तो इस घर में मुझे आप वो ठंडी चीज लग रहे हो। चलो भाई दूसरा मोए मोए देखते हैं। ये मोए मोए यार बड़ा ही, एक तो अच्छा भी लग रहा था पहले और थोड़ा मोटिवेशन वाला भी आता था मोए मोए, अब तो ये थोड़ा खिल्ले उड़ाने लगा यार दूसरे लोगों की, समझ रहे हो, बड़ा ही साइलेंस तरीके से, क्या बात है। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये उस टाइप का लड़का नहीं है, बताओ जो जो अभी मैंने कहा है अभिषेक के बारे में वो सही है या गलत है? गलत गलत है। किस किस को गलत लगता है? सबको। वाह, तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ बताओ? यहाँ पर समझदार कौन है? दादा वो ऐसा है, क्लियर? आप समझदार हो, मुझे जो समझा अच्छा है थोड़ा बहुत। अरुण बताओ। भाई ये सच में, भाई भाई ये सच में सबसे सबसे सलमान भाई भी भाई, समझ रहे हो ना, छोड़ते नहीं है किसी को। मोहे मोहे बात तो सही है। Oh, nice. Oh, उसका कंबल भी आ गया। Very good. Your date is late again. All right, this is good. Okay. File contestant. Oh. Me. Let's go. Thank you so much. I'll take your photo. Hey, bye. शुरू करने का? अरे मूतने का, अबे मूतने का। औरा, अरे ये देख। औरा, ये इगो। What is this? What? बोल रहा हूँ मैं। बड़ा ही मोए मोए करवाया है यार मुनावर भाई, लेकिन कोई ना भाई, तुम्हारी जीत में मेहनत दिखी है भाई, कहीं ना कहीं तुमने हार नहीं मानी, तुम बस एक ही चीज सिखाते हो, तुमने हार नहीं मानी। और मुनावर भाई ठीक है, मोए मोए बहुत हुआ आपका, लेकिन आपने कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा गलत बोली हैं, लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो उस चीज को थोड़ा सा भाई सही कर लो, एक अच्छे इंसान हो आप तो उस चीज को थोड़ा सा सही कर लो, बाकी का यार बहुत मेहनत करते हो, और मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई बिग बॉस 17 जीतने के लिए। ऐसे ही आप अपने घर का अपना नाम रोशन करते रहो और भारत का नाम रोशन करते रहो, समझ रहे हो, बात बाकी का वो सब चीजें जब तक ज्ञान ना हो तुम्हें अच्छे से, उस चीज के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए, जैसे सलमान भाई ने टोका था ना, इसलिए मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया, मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़। मानता हूँ आप थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी को थोड़ा सा मतलब ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप हो नहीं, मैं ये भी बता दूँ, तो भाई बाकी का तुम किसी भी चीज के बारे में बोलने से पहले मेरे हिसाब से, जैसे कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो पहले 10 बार मतलब रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ और समझता हूँ, सोचता हूँ, फिर उसके बाद बोलता हूँ, और फिर लास्ट में ये बोलता हूँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन थे जितनी मुझे समझ थी, और तुम तो भाई बोल के हीरो बन रहे हो, समझ रहे हो, तो तुम्हें जब चीजें नहीं पता हैं कैसे क्या चीजें हैं किसी के भी धर्म में तो मत बोलो मेरे हिसाब से, जब तक पता ना कर लो। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। चलिए बाकी का जय हिंद जय भारत जय श्री राम, मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।